जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चंडीगढ़ के द्वारा जो 7 पोस्टें क्लर्क की जारी की गई थी, उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए उनकी लिस्ट जारी की गई है, और जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनकी भी लिस्ट जारी की गई है, और जो फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए आए हैं उनकी भी लिस्ट जारी कर दी गई हैं। तो दोस्तों, इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी अभी डेट्स जो हैं वो अनाउंस नहीं की गई हैं, उसकी जैसे ही उसकी डेट्स अनाउंस होंगी उसके बारे में भी हम आपको सबसे पहले बता देंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको बोला भी गया है कि इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड दैट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटर्न एग्जाम शेल शॉर्टली बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंडीगढ़ की, उस पर जो है जल्द ही इसकी जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही इसमें एक और नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जो कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के जरिए इनके पास पहुंचे हैं फॉर्म्स, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने 27/5/2022 से पहले ही इनके ऑफिस में जाकर सबमिट करवाने हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो कैसे आएगा। तो इसकी जो ये नोटिफिकेशन आई है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ पर आपको इसका रिटर्न एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है उसका परफॉर्मा मिल जाएगा, आपने वहीं से इसे डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट निकालना है। तो दोस्तों, लिस्ट पर आपने अपना रोल नंबर चेक करना है, और वो रोल नंबर आपने यहाँ पर लिखना है कि आपको कौन सा रोल नंबर अनाउंस किया गया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपने अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर नेम लिखना है, एड्रेस और पिन कोड लिखना है, यहाँ पर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी लगानी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होगा उसके साइन होंगे जब आप रिटर्न एग्ज़ाम देने जाओगे। तो दोस्तों, ये तो बात होगी इसकी जो एडमिट कार्ड की। तो दोस्तों, इसकी लिस्ट भी आपको इसी में मिल जाएगी नोटिफिकेशन में, तो यहाँ से आपने जो है अपने नाम चेक करने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है रोल नंबर भी दिया गया है, आपका रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, और आगे आपको शिफ्ट नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है, फादर नेम, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, और आगे आपको रिमार्क्स दिया गया है, अगर किसी का कुछ गलती है तो वो आपको रिमार्क्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लिस्ट जारी की गई है वो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी की, ये लिस्ट है। तो जनरल कैटेगरी वाइज आप अपनी लिस्टें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से जो है इसकी लिस्ट ओपन होती जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको जो है जनरल कैटेगरी में जो जो फॉर्म एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आए हैं उनके रोल नंबर और नाम भी इसी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंडीगढ़। तो दोस्तों, इसके भी आपको रोल नंबर, नेम दिए गए हैं, फादर नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, और आपका एड्रेस दिया गया है, तो वो आप यहाँ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही इसमें आपको ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की भी लिस्ट दी गई है, वो भी आप ऐसे ही चेक करोगे, पहले आपके जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं जिनमें जिन्होंने फॉर्म्स अप्लाई किए हैं उनके नाम होंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट लिस्ट होगी उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम्स होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंडीगढ़, वो आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो दोस्तों, ये 92 पेज की लिस्ट है, तो आप इसे जो है डाउनलोड कर ही अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको नीचे जो आपके एप्लीकेशंस ड्यू डेट के बाद इनके पास पहुंचे हैं उनके भी नाम दिए गए हैं, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें ये लिस्ट दी गई है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो दोस्तों, इनके भी आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं, और रिमार्क्स में बताया गया है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो किस वजह से पूरा नहीं हुआ है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।